थाने और कराची में कचरा उठाने के लिए 3 दिन की मोहलत पर शहर कायद के वासियों ने ताज्जुब का इजहार किया है। कहते हैं कि शहर से कचरा रोजाना की बुनियाद पर उठाना चाहिए। वज़ीर-ए-आला की जानिब से इतने अरसे बाद नोटिस लेना समझ से बाहर है। मजीद तफसीलात जानेंगे राशिद खान की रिपोर्ट में। शहर कायद में गुज़िश्ता लंबे अरसे से जगह जगह कचरे, गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हैं, लेकिन खबर यह है कि वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने बिलाखिर इन गंदगी के ढेरों का नोटिस ले लिया है। साईं सरकार ने बलदियाती इदारों के अफसरों और कमिश्नर कराची पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। कहते हैं कमिश्नर कराची को 3 दिन की मोहलत दे दी है। 3 दिन में कचरा न उठाने पर मुतल्लिका DMC एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहरियों का कहना है कि शहर कायद में हुकूमत को इतने अरसे बाद होश आ ही गया, ये सफाई पहले क्यों नहीं की गई? मुझे तो मुश्किल लगता है ये 3 दिन में साफ हो जाएगा। सदियों का कचरा ही है, 50-60 साल हो गए मुल्क को बने कचरे में रह रहे हैं। सारा जो ना ये नाहली है इनकी कि ये वक्त पे अपना काम नहीं करते हैं। जब वक्त सर पे आके पड़ता है तो फिर ये काम करना शुरू करते हैं। जगह जगह कचरे के ढेर, लोग परेशान हैं, ना पीने को पानी, ना सेवरेज, कोई सिस्टम ही नहीं है कराची में। हालांकि इंटरनेशनल सिटी कहते हैं कराची को, कुछ भी यहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा। जब तक ये कचरा साफ नहीं होगा, जब तक लोकल गवर्नमेंट नहीं आएगी, जब तक इनको मेयर को अख्तियार नहीं मिलेंगे। जुबानी कलामी मेयर बना दिया है, उनकी रसाई नहीं है आगे, कोई अमल दरामद नहीं होगा। 3 महीने में भी नहीं होगा साहब। 3 दिन बारिश आने वाली है, बस हवाएं करते हैं कि बस कचरा साफ होगा, कचरा साफ होगा, कचरा कहाँ साफ होगा। आज तक नाले साफ नहीं हुए कचरों के। सवाल ही पैदा नहीं है 3 दिन में ये साफ हो। ये तो सालों सदियों से सुनते आ रहे हैं कि आज कचरा साफ होगा, कल होगा, मगर आप रोड रस्तों की हालत देखें, वही कचरे में ही अभी भी गाड़ियां डूब के आ रही हैं, कहां से कचरा साफ होगा। गटर का पानी भरा, अभी मैं बोल्डन मार्केट से आ रहा हूं, इतनी मुसीबत से जगह जगह पानी भरा है, कचरा का ढेर लगा, किराजियों को कचरा कर दिया। ताहम शहरियों ने वज़ीर-ए-आला के नोटिस लेने पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। कहते हैं नोटिस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आता, पूरी सिंध हुकूमत ना अहल है। कैमरामैन फैसल हुसैन के साथ राशिद खान, वक्त न्यूज़, कराची।